हे माय ब्यूटीफुल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ। सो मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ एक मेकअप शॉपिंग हॉल की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। एंड आई नो आप लोगों को मेकअप हॉल, मेकअप शॉपिंग देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो रिसेंटली जमशेदपुर में जो PM मॉल है, वहाँ फॉरएवर 52 की जो स्टोर है वो ओपन हुआ है। सो मैं कुछ दिन पहले वहाँ पर गई थी एंड मैंने बहुत सारा मेकअप का प्रोडक्ट वहाँ से लिया है। एंड मैंने फर्स्ट टाइम फॉरएवर 52 की बहुत सारा मेकअप प्रोडक्ट लिया है। सो क्या क्या मैंने प्रोडक्ट वहाँ से परचेज किया है, आगे मैं ऑल डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मुझे मेकअप का शॉपिंग करना एंड आप लोगों को मेकअप रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हॉल रिव्यू ये सब देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे पता है। सो इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए फॉरएवर 52 मेकअप हॉल लेकर आई हूँ। सो मैंने 1 month हो गया है बहुत सब प्रोडक्ट परचेज किया है, लेकिन अभी तक मैंने आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया है। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ मेरा जो फॉरएवर 52 का जो मेकअप शॉपिंग हॉल है वो क्यों ना शेयर किया जाए। सो इसीलिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है एंड उसका फुल डिटेल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो प्लीज वीडियो को एंड तक ही देखना। एंड तक देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मैंने कौन कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है एंड शायद वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आप अगर फॉरएवर 52 की शॉपिंग करते हो, क्योंकि फॉरएवर 52 में बहुत सारा मेकअप प्रोडक्ट है एंड उसमें बहुत सारा शेड्स भी है, जैसे चिक टिंट, फिर लिपस्टिक, फिर कंसीलर पैलेट। सो मैंने कौन कौन सा खरीदा है वो मैं ऑल डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो प्लीज वीडियो को एंड तक ही देखना एंड एंड तक देखने के बाद आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड साइड में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर देना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। एंड मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगी, वहां जाकर भी आप मुझे फॉलो कर देना। एंड आप मुझे कमेंट करके भी बताना कि आप लोगों का फॉरएवर 52 का कौन सा प्रोडक्ट फेवरेट है। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, फॉरएवर 52 का जो ब्रांड है, आई नो आप सभी को पता है बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक ब्रांड है एंड रीजनेबल प्राइस में एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है उन लोगों का। तो मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं फॉरएवर 52 की जो सब प्रोडक्ट है वो ऑर्डर करूं। ऑनलाइन में एक दिक्कत होता था कि उसका जो शेड्स है वो ठीक से ना पता नहीं चलता कि कौन सा शेड है एंड मेरे जो स्किन टाइप है उसके लिए कौन सा जो शेड जाएगा वो सब पता नहीं चलता। इसीलिए मैं सोच रही थी क्यों ना फॉरएवर 52 स्टोर से खरीदा जाए। सो कुछ दिन पहले जमशेदपुर में जो PM मॉल है वहाँ पर ही फॉरएवर 52 की जो शॉप है वो ओपन हुई एंड मैंने जब देखा तो मैं तुरंत ही वहाँ पर गई एंड मुझे जो जो प्रोडक्ट चाहिए था अर्जेंटली वो सब मैंने वहाँ से परचेज किया है। सो वो ही सब मैं आगे वीडियो में आप लोगों के साथ फुल डिटेल्स शेयर करूँगी। सो गाइज, आप लोग देख सकते हो कि दिस इज द फॉरएवर 52 की बैग है, इसके अंदर ही प्रोडक्ट है। सो इसके अंदर और एक बैग है, तो वहां से ये जो बैग है वो मुझे गिफ्ट में मिला है, तो इसके अंदर ही है सब प्रोडक्ट। सो उस स्टोर पर कुछ ऑफर चल रहा था कि
6000 या 8000 के ऊपर कोई अगर परचेस करता है तो उसको इस टाइप का एक बैग फ्री में मिलेगा। एंड बहुत ही यूजफुल एक बैग है एंड इसका क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। एक लेदर फिनिश में है बैग एंड ऊपर आप लोग देख सकते हो कि फॉरएवर 52 की ब्रांडिंग है एंड इसका जो साइज है वो बहुत ही अच्छा है, एक डिसेंट साइज है। एंड मैं इसके अंदर जब मैं ट्रेवल करती हूँ तब मैं मेरा जो मेकअप एंड स्किन केयर का जो प्रोडक्ट है वो मैं इसके अंदर इजीली मैं ले सकती हूँ। बहुत ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पर एक सेक्शन है ब्रश या लिपस्टिक वो सब के लिए एंड इधर भी एक बहुत बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर मेरा सब प्रोडक्ट आ जाती है। बहुत क्यूट है दिस बैग। सो इसके अंदर ही है प्रोडक्ट जो मैंने फॉरएवर 52 से खरीदा है। सो आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर है प्रोडक्ट एंड मैंने बहुत सारा चीज परचेस किया है। सो चलिए एक एक करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेस किया है फॉरएवर 52 से। सो फर्स्ट जो प्रोडक्ट मैं फॉरएवर 52 से परचेस किया है वो है फॉरएवर 52 क्लेमोफेज HD कंसीलर पैलेट। तो मुझे बहुत दिनों से मन था कि मैं इस HD पैलेट कंसीलर पैलेट को परचेस करूं क्योंकि एज ए मेकअप आर्टिस्ट मुझे कंसीलर पैलेट की ज़रूरत पड़ती है। एंड मैंने फॉरएवर 52 की रिव्यू मैंने देखा, बहुत सारा मेकअप आर्टिस्ट इस फॉरएवर 52 की जो HD कंसीलर पैलेट है उसको यूज़ करते हैं एंड इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड इसके अंदर 16 कलर्स है, ऑल आर HD कंसीलर। इसके अंदर दो वेरिएंट था, एक है ए वाला और एक था उसके अंदर ब्लशर फिर लिक्विड हाइलाइटर वो सब भी था, लेकिन मुझे एक ही पैलेट चाहिए था तो मैंने इसको ही परचेस किया। एंड इस HD पैलेट की जो नंबर है वो है CHP001। तो आपको अगर इस पैलेट को खरीदना है तो आप उस कोड को जाकर उस कोड से खरीद सकते हो। सो अंदर का प्रोडक्ट ऐसा है, एक प्लास्टिक का कंटेनर है एंड ऊपर भी इसका ब्रांडिंग है। सो दिस इज द शेड्स ऑफ कंसीलर। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कलर करेक्शन के लिए भी है एंड आप इससे हाइलाइटिंग फिर कॉन्टूरिंग सब कुछ कर सकते हो। आपको अगर फाउंडेशन वगैरह यूज करना नहीं है तो भी आप इस कंसीलर से मेकअप कर सकते हो, इसका फिनिशिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सो एक मेकअप करने के लिए जो जो शेड्स का जरूरत पड़ता है वो सब शेड्स इसके अंदर है। सो बहुत ही अच्छा है। एंड सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं वहां से परचेस किया है वो है एक कॉम्पैक्ट पाउडर। सो दिस इज 2-way केक एंड इसका जो शेड है वो है A003 आइवरी एंड बहुत ही अच्छा एक कॉम्पैक्ट पाउडर है। सो दिस इज द कॉम्पैक्ट पाउडर एंड दिस इज HD कॉम्पैक्ट पाउडर एंड एक फेयर शेड है इसका एंड बहुत ही अच्छा इसका जो कवरेज है वो भी बहुत ही अच्छा है। एंड इसका जो प्राइस है मुझे उतना याद नहीं है, मैं साइड में मेंशन कर दूंगी इसका प्राइस। एंड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट वेलवेटी सा एक फिनिशिंग देता है एंड आप लोग डेफिनेटली इस कॉम्पैक्ट पाउडर को ट्राई कर सकते हैं। एंड मेकअप को बहुत ही अच्छी तरीके से सेट भी करती है एंड आपको अगर डेली मेकअप करना उतना पसंद नहीं है तो आप लोग सिर्फ इस कॉम्पैक्ट पाउडर एक ब्रश के हेल्प से फुल फेस पर अप्लाई करके भी आप लोग जा सकते हो उसका। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने परचेस किया है वो है एक लिक्विड ब्लश एंड मुझे बहुत दिनों से एक लिक्विड ब्लश
की जरूरत। सो मैं फाइनली वहां से लिया है एंड इसका जो शेड है वो है JCB004 एंड बहुत ही अच्छा है इसका कलर, एक ऑरेंजी शेड है इसका, बहुत ही अच्छा है। इस टाइप का एक ट्यूब पैकेजिंग में आती है एंड ऊपर एक पंप भी है, आप लोग इसके हेल्प से ब्लशर को यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको सिर्फ एक स्पंज या ब्रश से आप लोग अप्लाई कर लो एंड बहुत ही अच्छा इसका कलर है। इसके अंदर भी चार पांच आई थिंक शेड्स था एंड मुझे यही कलर चाहिए था। सो बहुत ही अच्छा है, आप लोग इस ब्लशर को परचेस कर सकते हो। मैं सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने परचेस किया है वो है फॉरएवर 52 की मेकअप फिक्सर। एक बहुत ही अच्छा एक मेकअप फिक्सर है एंड आपके जो मेकअप है उसको लॉन्ग लास्टिंग करती है एंड एक मैट फिनिश भी देती है। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने परचेस किया है यही लास्ट प्रोडक्ट, वो है एक फाउंडेशन ब्रश। सो मुझे बहुत दिनों से एक फाउंडेशन ब्रश की ज़रूरत थी। सो वहाँ पर बहुत अच्छा सा एक ऑफर भी चल रहा था, इसका जो प्राइस है उससे 50% ऑफ में मुझे मिला है दिस ब्रश एंड इसका प्राइस है 499 रुपीज, मतलब 900 एंड मुझे 450 में मिला है एंड इसका क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड फाउंडेशन जब मैं इसे अप्लाई करती हूँ बहुत ही अच्छे से ब्लेंड भी हो जाती है। सो गाइज दिस इज माई फॉरएवर 52 मेकअप हॉल। आई होप आप सभी को दिस वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है एंड आपका जो भी डाउट था वो शायद क्लियर भी हो चुकी है कि फॉरएवर 52 का कौन सा प्रोडक्ट कैसा है एंड आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आप कौन कौन सा खरीद सकते हो, वो सब आपका क्लियर हो चुका है एंड मैंने जो जो प्रोडक्ट परचेस किया है आप भी वो सब प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो एंड दिस इज नॉट ए स्पॉन्सर्ड वीडियो, सभी प्रोडक्ट मैं खुद से ही परचेस किया है। सो आप लोगों को कैसी लगी दिस वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।